हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल सा और इजी सा नेटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे। केवल चार सिलाई में ये डिज़ाइन बनता है, यानी कि फोर रो का ये रिपीट पैटर्न है। और इस डिज़ाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। इसे जेंट्स स्वेटर पे बना सकते हो, लेडीज़ कार्डिगन पे, बेबी प्रोजेक्ट पे, गर्ल्स प्रोजेक्ट पे, किसी भी स्वेटर पे आप इस डिज़ाइन को बनाओगे। ये बहुत ही प्यारा, खूबसूरत सा, ईजी सा नीटिंग पैटर्न है। ये देखिए, इसकी बैक साइड उल्टी तरफ से ये ऐसे दिखता है, और ये इसका फ्रंट साइड यानी कि राइट साइड है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे हमने इवन नंबर पे लेने हैं, यानी कि दो 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 करके जोड़े के हिसाब से हमने फंदे लेने हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पे मैंने लिए हैं 12 फंदे। देखिए, दो फिर दो फिर दो फिर दो और दो और दो। इस तरह से आपने भी फंदे 2 के मल्टीपल पे लेने हैं। बैक साइड से हमने पहली सिलक बनानी है। रो 1 रॉन्ग साइड, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद धागा पीछे कर देना है ऐसे। अब देखिए, दो फंदों पे सिलाई डालेंगे। दो दो फंदों का ये डिज़ाइन है, तो देखिए दो फंदों पे सिलाई डालेंगे इस तरह से, और इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। इस तरह से इस फंदे को बुनेंगे बैक लूप से, और इस फंदे को हमने थोड़ा लूज रखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक बार सिलाई पे धागा घुमाएंगे ऐसे, फिर से इन्हीं दो फंदों पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा और यहाँ पे बनाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे हमने एक फंदे पे तीन, दो फंदे पे तीन फंदे बनाने हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर से देखिए, दो फंदों पे सिलाई डालेंगे इस तरह से, और इसे पीछे ले जाके, सिलाई को पीछे ले जाके, पीछे की तरफ से हमने दो फंदों पे तीन फंदे बनाने हैं। एक फंदा ये, दूसरा फंदा, फिर तीसरा फंदा, वापस इन्हीं दो फंदों पे सिलाई डाल के इस तरह से बनाएंगे। फिर से देखिए, 1, 2, 3, तीन फंदे हमने दो फंदे पे बनाने हैं। फिर से देखिए, दो फंदों पे सिलाई डाल के बैक लूप से बुनेंगे इस तरह से। एक फंदा बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर तीसरा फंदा बनाएंगे। इस तरह से तीन फंदे हमने दो फंदों पे बनाने हैं। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बुनेंगे, दो फंदों पे सिलाई डालेंगे और पीछे की तरफ ले जाते हुए सिलाई को, और इस तरह से दो फंदों पे तीन फंदे बनाएंगे। एक फंदा ये, दूसरा फंदा ये, फिर तीसरा फंदा, वापस इन्हीं दो फंदों पे सिलाई डाल के बैक लूप से बुनेंगे पीछे की तरफ से इस तरह से। एक बार फिर से देखिए, दो फंदों पे सिलाई डालेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे सिलाई को, और दो फंदों पे तीन फंदे बनाने हैं। एक फंदा ये, दूसरा और तीसरा, वापस इन्हीं दो फंदों पे सिलाई डाल के इस तरह से बनाने हैं। लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे। तो पहली सिलाई हमने उल्टी तरफ से इस तरह से यहाँ पे बनानी है। ठीक है, अब देखिए दूसरी सिलाई सीधी तरफ से। रो 2 राइट साइड, पहला फंदा एस टी से इस तरह से सीधा उतारेंगे। अब देखिए, तीन तीन फंदों का ये डिज़ाइन है। यहाँ पे अब तीन फंदे हो गए, 3 3। तो देखिए, पहले फंदे को छोड़ के दूसरे फंदे को लेंगे और इसे आगे लाएंगे इस तरह से, और इसे बिना बुने ही सिलाई पे रखेंगे। और जो ये दो फंदे बचे हैं किनारे किनारे के, बीच वाला फंदा तो ये आ गया, किनारे के दो फंदों पे सिलाई डालेंगे और इसे बैक लूप से इस तरह से सीधा बुनेंगे ऐसे। वापस यहाँ पे हमारे दो फंदे के दो फंदे हो जाएंगे। ठीक है, फिर से देखिए, 1, 2 और 3, इन तीनों फंदों में से बीच का जो फंदा है, इस ये सेंटर वाला फंदा है, इसे आगे लाएंगे, इसे बिना बुने ही सिलाई पर रहने देंगे, बाकी के दो बचे फंदों पर सिलाई डालेंगे और बैक लूप से इसे इस तरह से बुन देंगे। बाकी के तीन फंदे देखिए इस तरह से, बीच वाला फंदा आगे लाएंगे, बिना बुने सिलाई पर रखेंगे, दो फंदों पर सिलाई डालेंगे, बैक लूप से इस तरह से बुन देंगे। जितने भी फंदे हमारे बचे हैं, तो सेकेंड रो पे हमने इस तरह से इसे बनाना है। सेकेंड रो हमारी राइट साइड से आएगी।
स्टिच को सीधा बनाएंगे। तो देखा आपने, दूसरी सिलाई हमारी यहाँ पे इस तरह से आ गई है। अब देखिए तीसरी सिलाई उल्टी तरफ से, थर्ड रो रॉन्ग साइड। पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, इसके बाद जितने भी फंदे हैं उल्टे उल्टे बनाएंगे, एक एक करके हम उन्हें उल्टा बनाएंगे। थर्ड रो हमने बैक साइड से बनानी है और पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। एक एक फंदे करके लेंगे और सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई, चौथी सिलाई और इस डिज़ाइन की आखिरी सिलाई। लास्ट रो राइट साइड से आएगी, फोर्थ रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, सीधा उतारेंगे, इसके बाद पूरे फंदे एक एक करके हम सीधा सीधा बुनेंगे। पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के इसे कंप्लीट कर देंगे। चार सिलाई का ही डिज़ाइन है और ये हमारी चौथी सिलाई है। तो चौथी सिलाई को हमने इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन हमारा डल चुका है। जैसे जैसे हम इसे ज़्यादा बुनते जाएंगे वैसे वैसे ये डिज़ाइन हमारा विजिबल होता जाएगा। फिर से हमने फर्स्ट रो लगानी है, जो पहली सिलाई लगाई है उसे बैक साइड से लगाएंगे, पहली सिलाई से और चौथी सिलाई तक, जैसे जैसे आगे आगे बनाते जाएंगे। और देखिए इस तरह से हमारा दिखाई देगा, जैसे जैसे हम इसे ज़्यादा बुनेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी राइट साइड है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।